तुम भी तो मेरे संवाल में बहुत बड़े हो। तो मैं बड़ा हूँ ना, वो लड़की इससे बड़ी है। तो क्या हो गया, कितना ऑकवर्ड लगेगा क्या? लड़की बड़ी हो तो कोई वो गलत बात थोड़ी है, औरत तो है। चलो मुर्तसम से पूछते हैं क्या करना है भाई। मुर्तसम आपको वो पसंद है ना, तस्निया पसंद है ना? ए, हो गई तो उसके लिए लड़की पसंद करे कि हम लोग उसकी बात डन कर दें। अगर हो गया तो वो इस उम्र में ही उसकी बात तय हो जाएगी और हम लोग उसकी बात पक्की करवा देंगे। और जब थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा अपने हाथ पैरों का मतलब पैसा वैसा कमाना शुरू कर देगा, फिर इसको शादी के करवा करवा के भेज देंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, अपने खर्च में खुश होंगे और सही सलामत होंगे। सीन ये है कि जितने भी नए लोग आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही कर सकता है आपका भाई, रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों के घर तक डिलीवर हो सके। तो अभी चलते हैं खाने वाने का सेटअप करते हैं और फिर बाहर का सीन है, बार बार जाते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं और फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। आज कुछ स्पेशल भी है, स्पेशल ये है कि हम लोग मुर्तसिम की जो है वो शादी की बात तय करने जा रहे हैं। हो सकता है कि अगर वो लड़की हम लोगों की बात बात तय हो गई तो उसके लिए लड़की पसंद करे कि हम लोग उसकी बात डन कर दें। अगर हो गया तो वो इस उम्र में ही उसकी बात तय हो जाएगी और हम लोग उसकी बात पक्की करवा देंगे। और जब थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा अपने हाथ पैरों का मतलब पैसा वैसा कमाना शुरू कर देगा, फिर इसको शादी के करवा करवा के भेज देंगे। तो चलो खाने वाने का करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मुलाकात करते हैं। गाइस मैं ये शॉर्ट बना रही हूँ कि मेरे कमरे में मेरा शोहर नहीं है, मेरा बच्चा भी नहीं है, दोनों बाप बेटे। मैं देख रही थी आहत तो भी आ गया, आहत अभी मतलब नहलाने गया है मुर्तसम को, पहले उसकी मालिश करी अब उसको नहला रहा है। मतलब मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, अब ना थैंक है, अगर मैं उसके मुँह पर उसको थैंक यू बोलती हूँ ना, फिर वो ना थोड़ा सा समझ ऊपर चला जाता है। सुबह मुझे 11 बजे भूख भी बहुत लग रही थी, मुझे नींद भी बहुत आ रही, मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है। बेचारे ने मुझे नाश्ता बना के दिया, नाश्ता बना के नाश्ता खिलाया, अभी मैंने चाय 2 घूंट पीने के बाद बोला मुझसे और चाय नहीं पी जा रही, उसने बोला कोई बात नहीं सो जाओ, मैं फिर सो गई। फिर अभी मुर्तसिम उठ गया, तो आज मुर्तसिम के नहाने का दिन था, मुर्तसिम को मौसम की वजह से हर 2 दिन बाद नहला रहे, तो आज उसको भी नहलाने लेकर गया। मैं बस मैं आप लोग को बोलती हूँ ऐसे कभी इसके लिए कुछ बुरा नहीं बोला करो, क्योंकि जिस दिन मैं दवाइयों के साथ वो नींद की गोली खाती थी उस दिन मुझे बिल्कुल होश नहीं होता है, और आज वही दिन था कि रात को मैं दवाइयों के साथ मुझे सर में इतनी तकलीफ़ हो गई थी कि मुझे नींद नहीं आई थी, तो मैंने एक हेल्प खाई थी और उस हेल्प के बाद मेरा जिस्म बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। आई लव दिस मैन। यार खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बन रहा है खाने में? हाय हाय मेरी कलेजी और ये अचार को इसे ना, आज पता नहीं किसका मुंह देख के उठाऊँ। अच्छा आज मैं सुबह ही सुबह उठा था तो मैंने वलू को नाश्ता वाश्ता दे दिया था, मतलब बेड पे ही सारा नाश्ता वाश्ता आ चुका, तो इस वजह से ये मेरी खिदमत कर दी है। खिदमत क्या कर दी है, मतलब खाना बना के दे दिया। तो बताया मेरे को कलेजी ना, मैं 3 दिन पहले लेके आया था और अब जाके मेरे को नसीब हुई है कलेजी। है वलू तुमने कसम तोड़ दी थी कलेजी बनाने की, मुझे तो लगी। चलो यार खाना वाना रेडी हो चुका है, रोटी मैं लेके आ चुका था नीचे जाके, अभी तो अभी मैं अपना खाना खाता हूँ, जब तक वलू का खाना वाना बन रहा वो भी अपना खाना खाएगी। क्या हो गया? मुझे डर लग रहा होता है कि अभी मारिश। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है जान, बहुत मज़े का बनाया है मुझे लग रहा है। हाँ निकाल दो निकाल दो, मैं बस खाऊँगा। तो वैसे तो खाना वाना खाते हैं, थोड़ा सा और आपसे गपशप वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। गिलास कौन से, पानी पीने की या फिर चाय पीने के? चाय पीने की गिलास आता। अच्छा पानी पीने के, चलो एक सेट लेके आता। क्या मैंने सुना है कि वो जो शॉप्स पे मिलते हैं वो महंगे होते हैं और वो जो ठेले वाले देते हैं वो सस्ते होते हैं।
यार स्टॉल्स वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं और क्वालिटी वही होती है जो शॉप्स में होता है, लेकिन बस वही शॉप के रेट अलग होते हैं और उसके रेट बहुत कम होता है स्टॉल्स के। तो हम मैं तुम्हें एक जगह पे लेके चलता हूँ, वहीं से दिलाता हूँ। हाँ? आप लोगों को भी दिखाता हूँ कितने अच्छे गिलास मिलते हैं सेट और कितने सस्ते मिलते हैं। तो चलो अभी मेरा खाना रेडी हो गया, खाना वाना खाते हैं उसके बाद। वालू कितना खाना रहेगा तुम्हारा, तुम्हारा कितनी देर में बनेगा? तुमने तो अभी टमाटर डाला है, मतलब 15-20 मिनट है तुम्हारे खाने में। चलो यार मैं तो खाना खाऊं, मुझे तो हवा चल रही है इतनी प्यारी, अच्छा शोर शराबा हो रहा है, एयर कूलर चल रहा है लेकिन इतनी प्यारी हवा चल रही है। एक तो एयर कूलर ठंडा देता है लेकिन बाहर इतना प्यारा खूबसूरत मौसम है और उसके सामने आप कलेजी रखी हो, मज़ा ही आ जाए। चलो तो इसको टेस्ट करते हैं, आप लोगों को भी बता दें कैसा टेस्ट है। यार बोलूँ क्या बनाती हो यार, खाना तुम अच्छा बनाती हो माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बेगम के हाथ में जादू है भाई, खाना एंजॉय करते हैं उसके बाद बात करते हैं। नहीं समझ नहीं आ रहा ये लाइट वालों ने क्या ड्रामेबाजी लगा के रखी हुई है, हर इलाके की लाइट बिला वजह जाया जा रही है। आधा घंटा लाइट होती है उसके बाद फिर चली जाती है, पता नहीं यार ये क्या ड्रामे चल रहे हैं, कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है, बार बार कंप्लेन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं यार कि कोई ना मेंटेनेंस का काम चल रहा है। खैर पता नहीं है मेंटेनेंस का काम कब तक जो है वो चलता रहेगा। अभी वल्लू को जो है वो चाय पीनी है, तो हम अपनी एक ट्रिक के साथ जो है वो आग लगाते हैं। और वल्लू को जो है चाय बना के देते हैं। और आज जो है मैंने और मुर्तसिम वल्लू ने जो है आज मैंने और वल्लू ने मिलके मुर्तसिम का रिश्ता पक्का करना है, तो इस हवाले से बात करेंगे और डिसाइड करेंगे कौन सी लड़की हम लोगों को पसंद है और उस लड़की से हम लोग इसका फिर रिश्ता तय कर देंगे। तो चलो देखते हैं, मुर्तसिम से भी पूछेंगे कि उसको लड़की पसंद है या नहीं है। खैर वो तो बता नहीं सकता, लेकिन एक लड़की है जिसको देख के वो शर्माता है हमेशा तो अगर हो सका तो अब हो सकता है कि शायद उससे हम लोग रिश्ता पक्का कर दें। खैर जो भी होगा, अभी फ़िलहाल मैं चाय बना लूँ फिर हम लोग वो सारी सी। यार मुर्तसिम क्या सीन है आपका यार, नींद पागल हो रहा है। आधे एक घंटे से इसको झूला झुलाते रहे झुलाते और उसके बाद देखा अंडे से बाहर निकल के रही। आज इसके रिश्ते की बात चल रही है तो ये हरकतें कर रहा है। वो देखो अंडे से ऐसे जैसे बच्चा अंडे से नहीं निकल रहा होता, ऐसे अंडे से बाहर निकला हुआ। डिसाइड मैं ही करूँगा जान, मुझे पता है इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अपना अच्छा बुरा नहीं पता, इसका क्या पता होगा। इसका पता है ना, मेरी औलाद है। तुम तो वैसे भी बुढ़े हो जाओगे, वो खूसड़ बुढ़ा जो भी दो लाख उसके पीछे पड़े रहोगे। मैं क्यों पीछे पड़ूंगा यार, ये लोग अपनी जिंदगी होगी अपना घूमते फिरते रहेंगे, हमें इनसे क्या लेना देना। मेरे साथ रहेगी तो मैं डिसाइड करूंगी। हमारे साथ तेरे साथ नहीं रहेगी, ये तुम्हारी भूल है, ये हमारे साथ क्यों रहेंगे भाई, अपना जाए अपना घूमे फिरे। मैं अलग रहे भाई, साथ नहीं रखूंगा, मेरे को अपनी प्राइवेसी बहुत अजीज है, मैं तुम्हारे साथ अकेला रहूंगा। मैंने बेटे के साथ रहूंगी। चल बेटे को पहले ही घर से बाहर कर दूंगा, दुनिया से गायब कर दूंगा इसको। इसके लिए लड़की ढूंढ रही है। इसको बोले अपना पैंपर चेंज करना तो सिखा दे। वो तो सीख जाएगा, पैंपर बांधना सीख जाओगे ना मुर्तसिम। मुर्तसिम वो कह रहा है भाई लड़की ढूंढ दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा सारा। बस ठीक है, वो चाचू की लड़की इसको बहुत पसंद है ना। नहीं मैं पागल हो गई, चाचू की लड़की को देखा, मैंने बोला था एक लड़की को देख के शर्माता है, उसको अपनी चाचू की लड़की को देख के शर्माता है। मेरे चाचू की हाँ, इसकी चाचू की लड़की को देख के शर्माता है। बोलू रिश्ते में बहुत बड़ी है वो, इससे रिश्ते में बड़ी है ना, कोई बात नहीं, रिश्ते में बहुत बड़ी है, कोई बात नहीं, उम्र में भी बड़ी है। खाला और भांजो की शादियाँ होती है, उम्र में भी बड़ी है, कोई इतनी बड़ी नहीं है। तुम भी तो शर्माता है ये उसका नाम सुन के। मुर्तसिम तुम भी तो ऐसा मान लो बहुत बड़े। तो मैं बड़ा हूँ ना, वो लड़की इससे बड़ी है तो क्या हो गया, कितना ऑकवर्ड लगेगा क्या। लड़की बड़ी हो तो कोई वो गलत बात थोड़ी है, औरत तो है। चलो मुर्तसिम से पूछते हैं क्या करना है भाई। मुर्तसिम आपको वो पसंद है ना, तस्निया पसंद है ना, उसका नाम नहीं लो। हाँ वो गुस्सा आ रहा है ना, ये परसों उसके पास नहीं आई ना, बैठी नहीं उसके साथ। समूरी
इसके लिए लड़की पसंद हो रही है, शक्ल देखो इसकी, बातें सुने इसकी। दांत दिखाओ। दांत दिखा भाई। दांत पूरे आए नहीं है इसके, और इसके लिए लड़की डिसाइड हो रही है। खैर लड़की तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, बाकी शादी वादी का बात। तो गाइस हमारा जो दूल्हा है, बचपन हम इस दूल्हे को बांधते थे और आज हम वही सेम चीज करने वाले हैं। ये मेरा दुपट्टा है, ये दूल्हा लेट गया। हम कितना प्यार, जब छोटा था ना तुम लोगों के घर में ऐसे बांधते, इसके घर में तो हम इसको वैसे बांध ले, तभी तो माशाल्लाह से इसकी हाइट इतनी प्यारी है, आहत को पूरा बांधना आता है। ओए बच्चे माशाल्लाह, कितना खामोशी से लेटा हुआ है। टोपा नहीं पहना सकते हम इसका, तुम्हारे बच्चे का सर बहुत बड़ा है भाई। गोद में लेते हो, गोद में बच्चे माशाल्लाह। गाइस ये पहले इतना सा होता था, ये इतना ही होता था बस। आहार नापते नहीं है बच्चों को, मैं अपना कद चेक करूँ इसके साथ मिला के। तो गाइस आपने देखा हमारा दूल्हा बन चुका है। बितू आहद आहद आहद, देखो मुन्ना बन रहा है, इतना प्यारा मुन्ना है। मुन्ना बहुत तेज है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। तो देख कैसे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। चलो गाइस हम अपने मुन्ने को वापस खोल देते हैं। यार वलू मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत पुराने जमाने का नहीं हो जाएगा कि हम उसके रिश्ते विश्ते का कर लेंगे। पहले इसको उसका पैंपर तो खोलना वो देख, उसकी हरकतें देखो, और हम इसका रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। नहीं यार इसके ऊपर ही छोड़ दो, अरेंज मैरिज हमेशा जो है ना लड़का फिर यही बोलता है। अगर यार बहुत ही ओल्डेस्ट चीज़ हो जाएगी। अब एक मेरे को अभी बैठे बैठे एक चीज़ ख्याल में आई है कि यार अगर ये बड़ा हो जाता है, इसको कहीं से प्यार हो जाता है, किसी और लड़की से इसको प्यार हो जाता है, तो यार ये तो गलत हो जाएगा ना। यार मुझे तुमसे प्यार हो गया, अगर इसको कहीं और प्यार हो गया फिर वो ना। अगर मेरे बीच अपने घर वालों की पसंद तुम्हें, तो भाई के साथ मुर्त सिंह भी रिश्ता तय कर रहे हैं, तुम्हारा भी कर देगा, तो पता है कि तुम किसी को पसंद करते हो, तुम क्या करते हो। यार यही तो इसको इस जंजाल में नहीं डालना चाहता ना, इसको फ्री रखना चाहता हूँ। तुम क्या करोगे जान, एक तरफ आपके माँ बाप जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किए, एक तरफ आपकी मोहब्बत, तो क्या करोगे। आपने अपनी मोहब्बत भी देखनी है, आपने अपनी मोहब्बत भी देखनी है, आपने अपने माँ बाप का फर्ज भी पूरा करना है, उनका दिल तो नहीं तोड़ सकते ना। तो मैं कह रहा हूँ यार मैं अपने औलाद को इस जंजाल में नहीं डालूंगा, इसके ऊपर छोड़ देते हैं। यार मुर्तसिम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ जान, मैंने वैसे दो लड़कियाँ सेलेक्ट की थी, लेकिन छोड़ दो। कौन सी दो लड़कियाँ? बस मैंने दो लड़कियाँ सेलेक्ट की थी यार, अभी छोड़ देते हैं इस चीज पे। अभी जो है हम लोगों ने वलू के बालों का कलर वगैरह करना है, सही है। क्या हो गया, गंजी हो जाऊंगी मैं। जान थोड़ा सा वो कर लो ना, हेल्दी हो जाते हैं कलर से, तुम्हें क्या लग रहा है? मैं वो डाई वगैरह थोड़ी करवा रहा हूँ। नहीं नहीं रहने दो, करवा लो कलर। मैं सोच रही हूँ बहुत लोगों को अपने बालों में मेहंदी लगाते हुए देख। मेहंदी? हाँ उससे बहुत हेल्दी हो जाते हैं बाल। अच्छी मेहंदी आपको, हाँ अच्छी वो परचून की दुकान से मिल जाएगी, अच्छी मेहंदी। अच्छा एक बात, सूखी मेहंदी होती है, फिर पानी वानी डाल के उसको ड्राई करके। अगर मैं अपने बाल कटवाना चाहूँ तो कोई एतराज होगा? बोलू जरूरत भी नहीं करना, एक बार कटवा चुकी हो, बहुत मुश्किल से तुम्हारे बाल बढ़े माशाल्लाह, देखो अब हेल्दी हो रहे हैं। तो नहीं करो बात भी मत किया करो यार वलू। यार अभी सीन ये है, इसको इग्नोर मारो ठीक है। ये बालों का जब टॉपिक छेड़ती है ना तो मेरा दिल करता है मैं खुद को गंजा कर दूं। बोला अभी मैं गंजा हो जाऊंगा, हो जा। सही से फेर
यार वालू सच में काट दिए, क्या हो गया यार जान? ये काट दे, काट दो, एक सेकंड इसको हटा दो, बंद करो, अब काट दो, अब कटेंगे सही से, काट दिए। सच में लगा रही हो वालू? लगाते के साथ कटेगा वो, गंजा हो जाऊंगा तो हो। ये लो काटो, फिर ये नहीं करो ना, एक साथ में काट दो। अरे तो बैटरी खत्म हो गई। मेरे बैटरी की कितनी खस्ती यार बलू, तुम अपने बाल काटने के चक्कर में मुझे गंजा करना चाहती हो कि मैं गंजा हो जाऊं? नहीं कटेंगे, चार्ज लेंगे। तो चलो यार बलू छोड़ दो इसको, बाल बाल का चक्कर छोड़ो, मुर्तसिम को अपनी चॉइस खुद करने देते हैं और अभी हम लोग अपने खाने का कर लेते हैं। मुझे बहुत टाइट भूख लगी है यार। मैं तुम लोगों की बात समझ नहीं आती, लाइट आने के बाद भी तुम लोग पंखा बैटरी पे चलाते हो, तो मुझे तो स्लो चल रहा है। तो यार मुझे सेटअप नहीं पता है ना, तुम ही चेंज करती हो उसको, कर दिया करो। चलो यार खाने वाने का करते हैं, सही है, फिर उसके बाद जो है इस व्लॉग को करते हैं एंड, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भाई, सब्सक्राइब कर दो। हम इसकी शादी की बात कर रहे हैं, इसकी शादी की बात, जो यहाँ पे कार्टून देख रहा है। अरे भाई ओ भाई ओ, चड्डी पहन ले भाई, एक्सक्लूज मी सर, मुर्तसिम एक्सक्लूज मी सर, 5 मिनट हो गए, आपका स्क्रीन टाइम खत्म, दिस इज इनफ, एक्सक्लूज मी सर जी। ये ऐसे क्यों देखता है मुझे भाई साहब, गुस्सा क्या है? नहीं। क्या हुआ मेरी जान? दादी फिर बहुत बुरा। चलो यार उसको अभी स्क्रीन टाइम इसका खत्म करवाते हैं वरना ये हरकतें करेगी। बेटा आपकी दादी को पता चल गया ना, आपकी दादी को नहीं पसंद है ये सब चीजें। हाँ तो देखो ना ऐसा, फिर बाबा का बच्चों को स्क्रीन टाइम ना दो ना, फिर ऐसे होते हैं ऐसे। बहुत बोल रही हैं आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। आप बहुत ज्यादा एक्टिंग, आप बहुत तमीज से बात कर ले, ए कुछ भी हो जाए आएगा अपने बाप के पास। इतना बदतमीज है कि मैं उसको मार दूं, अब्बू मार रहा है। अच्छा यार वो भी तो लेने थे, तुमने बोला था कप वगैरह लेने हैं, गिलास वगैरह लेने हैं। हाँ। तो चलो चलते हैं, वो भी लेके आते हैं। तो गाइज वो अभी नहीं, वो नेक्स्ट व्लॉग पे ही दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी खाने का कर लेते हैं और इस व्लॉग को करते हैं एंड, फिर से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब। बेटा पहले क्या था, पहले क्या कर सकती थी? बोल नहीं सकती थी। आपने देखा अब क्या हुआ, बोलने लगी। मैं पहले शादी से पहले बहुत चुप रहती थी, मैं इतना चुप रहती थी कि बस ऐसी इसको थी। फिर चिड़िया का पानी पिलाया था हमने, चिड़िया का पानी पिलाया इसके घर वाले ने इसको, फिर ये बोलने लगी। बचपन में पिलाया था प्रसाद, वही ना बचपन में पिलाया था, उसके बाद तुम बोलने लगी थी, फिर उसके बाद इतना बोली कि अब चुप ही नहीं होती। इतना बोली कि अफगानिस्तान हम बेटा और हम बेटा और बाप जो है वो साइड पे कोने में बैठ जाते। ऐसा लगता है AK-47 उठाई खच खच। गाइस मुझे मुर्तसिम पे ना रोज रोज गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दिन ब दिन ना इसकी शक्ल। ओ मोंजिली का अपने बाल तो सही कर ले, मोंजिली का लग रही हो यार तुम वाली। अरे बाल बाल सब गंजे। ओहो साहब जी को नींद आ रही है। चले यार खाने वाने का कर लेते हैं, आ जाओ मेरी जान। ये सोना नहीं चाहिए अभी, नहीं सोएगा रात में ही सोएगा, सोना नहीं। सालन रात वाला गर्म कर दूं गाइस, मैंने बहुत मजे का कढ़ाई बनाया था, ये दूसरा वाला कढ़ाई था, अच्छा बना था, बस सही था, ज्यादा तारीफ क्यों करूं, मैंने खुद बनाया है। मेरा पकौड़े खाने का दिल था लेकिन अभी बहुत देर लगेगी, है ना? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अगर मैं पकौड़े बनाऊंगी तो बहुत देर लग जाएगी। नहीं जान देर नहीं लगेगी, नहीं नहीं सच में देर नहीं लगेगी, मैं तो मजाक कर रही थी। बना लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो तुम बनाओ, मैं बैठी हूँ। मेरे को आते नहीं है पकौड़े, पकौड़े आते होते तो हर 2 मिनट बाद पकौड़े बनाता। मेरा ड्रेस भी देखो, ओह सही से दिखाती हूँ।
ये देखो मेरा ड्रेस, मेरा फेवरेट ड्रेस है, मेरा बेटा। आहत, तुम इसको देखो। मैं दिखा रहा हूँ देखो, साइड हो ना। तुमने किचन रात को सही से नहीं साफ किया था ना? ये सॉरी, मैंने साफ नहीं किया था। ये देखो, कपड़ा नहीं था। ये हम लोगों ने ये तीली निकाली, ये हम लोगों ने ये माचिस रखा। अब हम यूं मुर्तसिम से बात कर रहे हैं, कैमरा एक जगह पे रखो ना यार, कैमरामैन बनना है नहीं बनना है। मैजिक था ये, जब व्लॉगर होता है ना वो इस तरह से माचिस जलाता है। वैसे ये मैजिक था? ये मैजिक नहीं था, ये व्लॉगिंग। मैं 2 क्लास में करती थी स्किल्स, 2 क्लास में करती थी स्किल्स। यो 2 क्लास में ना हमारा एक इस्लामिक का टीचर था, इस्लामियत का, वो भाई साहब बिल्कुल तेरे जैसा दिखता था और हर बच्चा उसको गाली देता था। यार बोलो क्या हो गया यार, मेरे जैसा दिखता था तो लोग गालियां देते थे? नहीं, वो बुड्ढा बहुत इरिटेटिंग था। जैसे ये बुड्ढा मेरे में बहुत बोलता है, ये बुड्ढी खा के बता। मेरी माँ तुम्हारे खाने की, मेरी माँ भी तुम्हारे खाने की बड़ी तारीफ करती है। एक ही बार तो बेचारी ने खाया। वैसे तो यार खाने के बाद जब अच्छी चाय आपको मिल जाती है ना तो खाने का मज़ा बहुत अच्छा हो जाता है। और चाय मैंने अभी खुद बनाई है, ये तो बैठी हुई है, खाना भी इसको मैंने ही दिया है। माचिस वाली ट्रिक करके बताई है इसको मैंने, बस उसने बोला कि सारा चीज़ें अब तुम ही करो। तो अब मैंने चाय बिस्कुट खाया, अब सारी रोटी खा के बकवास तू कर। रोटी जान पर दूसरी रोटी तल के दी है मैंने, आप फ्रीजर से रोटी निकाल के फिर मैंने उसको वो भी तल के दी। मेरी जान वो मुझे दे देती ना, नान मैं खा लेता, चपाती सारी तुम्हें दे देता। मेरी जिंदगी बोल देती ना मैं नहीं खाता। चले यार सीन ये है, व्लॉग करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आप लोग अच्छा लगा होगा। और नहीं यार लगा, मैं आपका व्लॉग अच्छा नहीं लगा? नहीं लगा। वो फैसला तो इन लोगों को करने दो ना, तो यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो यार, शेयर कर दिया करो यार, ताकि व्यूज़ बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े। आप लोग यार शेयर ही नहीं करते भाई का, थोड़ा सा फ़ायदा करा दो यार, शेयर कर दिया करो। पता नहीं क्रिंज हरकतें कर रहा होता हूँ मैं हर वक्त। फॉलो कर दो, सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगता क्रिंज बनना, लेकिन यार क्या करूँ, आप लोगों से नहीं बोलूँगा तो किसको बोलूँगा। चलो यार जब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखना, घर वालों का ध्यान रखना, कमेंट में कुछ भी चलेगा। हाय हेलो सलाम अलैकुम।